इमरान खान ने फिर दोहराई युद्ध की बात, कहा जंग हुई तो भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी की धूम, मुंबई में लाल बाग के राजा का पंडाल, चंद्रयान 2 की थीम पर हुआ तैयार। ईडी के सामने पेशी से पहले रो पड़े डीके शिवकुमार, बीजेपी पर लगाया आरोप। पाकिस्तान में एक और हिंदू लड़की अगवा, इमरान की पार्टी के सदस्य पर आरोप। बिहार में लगाई जाएगी अरुण जेटली की मूर्ति। कश्मीर के मुद्दे पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों लगातार युद्ध की बात कर रहे हैं। कल ही उन्होंने कहा कि अगर दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध हुआ तो ये सिर्फ दो क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, इसके पूरे क्षेत्र में खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका को वीडियो कॉल के जरिए संबोधित करते हुए इमरान खान ने ये बात कही कि कश्मीर के हालात को लेकर वैश्विक नेताओं को अवगत कराया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने और सूबे को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया था, जिसके बाद से ही इमरान खान लगातार कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक के बाद एक कई झटके लगे। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में आज से 10 दिन के गणोत्सव की शुरुआत हो रही है, जो अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त हो जाएगी। मान्यता है कि आज ही के दिन गौरी पुत्री गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन घर घर में मंगल मूर्ति की स्थापना होती है। विधि विधान से गणेश की मूर्ति की स्थापना दोपहर में की जाएगी। गणेश चतुर्थी के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से पहले कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार रो पड़े। दरअसल सोमवार को दिल्ली में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं रो रहा हूं क्योंकि पिता जिसने मुझे जन्म दिया है, मैं उनकी पूजा नहीं कर सकता। डीके शिवकुमार ने कहा कि सत्ता में बैठे बीजेपी के मेरे दोस्तों ने मुझे पूजा नहीं करने दिया, ये चिंता की बात नहीं है। ईडी कार्यालय से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले। गौरतलब है कि कर्नाटक में डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। 2017 में आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार के 64 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उनके खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायतों पर ये कार्रवाई हुई थी। उस दौरान डीके शिवकुमार और अन्य कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। भारत को मानवाधिकार उल्लंघन के लिए नसीहतें दे रहे पाकिस्तान को अपने घर में झांकने की जरूरत है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों एक सिख लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। पाकिस्तान के सिंध में अब एक हिंदू लड़की को अगवा कर जबरन उसकी शादी मुस्लिम पुरुष के साथ कराई गई है। पिछले एक हफ्ते में ऐसा ये दूसरा मामला है। ये मामला पाकिस्तान के सिंध हिस्से का है, जहां पर बीबीए में पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की को 29 अगस्त को अगवा कर लिया गया था। लड़की के पिता की तरफ से पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट की माने तो पुलिस ने बाबर अमन के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी लड़की और बाबर अमन का कुछ पता नहीं लगा है। पाकिस्तान में ही और पाकिस्तान हिंदू पंचायत ने इस घटना की निंदा की है और लगातार हिंदू लड़कियों के साथ हो रही इस तरह की घटना को लेकर चिंता जताई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व वित्त मंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली के सम्मान में उनकी बिहार में प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राजकीय सम्मान में अरुण जेटली की जन्मतिथि को समारोह के तौर पर मनाया जाएगा। शनिवार को राजधानी पटना में एनडीए की तरफ से अरुण जेटली के याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, सुशील मोदी, पशुपति पारस समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे।